नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा जारी महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी का एक महत्वपूर्ण आदेश, और आदेश का दिनांक है 23 जून 2022। सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय वैश्विक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में नियमित निरीक्षण, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित कार्यक्रमों का सतत पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण गठित टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा कराए जाने के संबंध में। महोदय, प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के प्रसिद्ध विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश के उपरांत दिनांक 16 जून 2022 से शिक्षण पठन पाठन संबंधी कार्य भौतिक रूप से प्रारंभ हो गया है। अवगत कराना है कि विद्यालयों के नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण हेतु टास्क फोर्स गठित है, और टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा निर्धारित मासिक लक्ष्य के अनुरूप विद्यालयों के निरीक्षण किए जाने हेतु शासन स्तर से निर्देश निर्गत है। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं शिक्षण व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन स्तर से शासनादेश संख्या ये दिनांक 29 मार्च 2006 निर्गत है, जिसके द्वारा जिला स्तरीय टास्क फोर्स के 12 सदस्यों एवं विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स के 8 सदस्यों को प्रतिमाह 5-5 विद्यालयों के निरीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अग्रेतर प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या ये दिनांक 2 सितंबर 2019 के प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल के अंतर्गत जनपद एवं विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा निर्धारित मासिक 5 निरीक्षण ऑनलाइन माध्यम से किए जाने के निर्देश प्रदत्त हैं। साथ ही शासनादेश दिनांक 4 अक्टूबर 2019 द्वारा भी यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि समस्त निरीक्षण आख्याएं अनिवार्य रूप से प्रेरणा प्रणाली पर ऑनलाइन अपलोड की जाए। तत्क्रम में अवगत कराना है कि प्रेरणा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार माह अप्रैल 2022 एवं 20 मई 2022 तक जनपद एवं विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं समस्त जिला समन्वयक, MIS इंचार्ज, ARP, SRG तथा डाइट मेंटर द्वारा निरीक्षित विद्यालयों का विवरण प्रतिशत निम्नानुसार पाया गया है। माह अप्रैल और मई जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के निरीक्षण का प्रतिशत लक्ष्य 4125, निरीक्षण 251, 173 यानी 6% और 4%। इसी प्रकार विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स के निरीक्षण लक्ष्य 15,930, 15,917 और निरीक्षण किए गए 1,030, 824 यानी 7% और 5%। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण लक्ष्य 1,500 और किए गए 991 और 693 यानी 46%। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिशत लक्ष्य 32,684, 32,684 और किए गए 26,163, 18,931 यानी 81% और 58%। जिला समन्वयक NDM द्वारा किए गए निरीक्षण 1,500 लक्ष्य था, किए गए 759, 3,570 यानी 34%। SRG, ARP और डाइट मेंटर के द्वारा किए गए निरीक्षण का प्रतिशत रहा है 95, 98, 52, 75, 86 और 46%। इसी प्रकार उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद स्तरीय टास्क फोर्स DTF एवं विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स VTF के सदस्यों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अत्यंत न्यून संख्या में विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। शासनादेश के अनुसार प्रतिमाह के अंतिम शनिवार को खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रधान अध्यापकों के साथ मासिक बैठक आहूत किए जाने के निर्देश प्रदत्त हैं। इसके साथ ही शिक्षक संकुलों की बैठक के आयोजन के संबंध में भी सुसंगत निर्देश निर्गत हैं। तत्क्रम में प्रेरणा पोर्टल से प्राप्त वस्तु स्थिति निम्नवत है। खंड शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाध्यापक के साथ बैठक प्रतिशत 880 लक्ष्य था, जिसमें 220 और 105 बैठकें की गई यानी 25% और 12%। शिक्षक संकुल की बैठकों का जो प्रतिशत था लक्ष्य लगभग 8,353 था, और बैठकें आहूत की गई 4,092, 3,675 यानी 49% और 44%। अतः आपसे अनुरोध है कि शासन की मंशा एवं समय समय पर निर्गत शासनादेश में
प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप जनपद एवं विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपदीय समन्वयक तथा ARP SRG डायटमेंटल स्तर से विद्यालयों का सतत पर्यवेक्षण, प्रभावी अनुसरण एवं स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही विकासखंड स्तरीय एवं शिक्षक संकुल स्तरीय बैठकों के नियमित आयोजन की अपने स्तर से समीक्षा करते हुए सर्व संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। संलग्नक उक्तवत भौदी श्री विजय कृष्ण जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश एवं निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश। दोस्तों, ये रहा आदेश, अर्थात आप सभी सजग रहिए क्योंकि विद्यालयों में निरीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की टास्क फोर्स गठित की गई हैं जो आपके विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण करेंगी और निरीक्षण में अब और तेजी आएगी। इसलिए आप सभी समय से विद्यालय जाइए और समय से विद्यालय में रहिए, समय से विद्यालय आइए और आप खुश रहें, मस्त रहें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।